मंजिलें हैं तो रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आइए इस शायरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग में देख लिया होगा, आपके थंबनेल में दिख गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो या सॉलिड करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, कैसे इक्वेट करेंगे, अगर वो करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर है या करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे इक्वेट करना है, रिजल्ट क्या होगा, कि ये सारी चीज़ें अभी के इस लेक्चर में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बस ये बात हमेशा याद रखना कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है और हौसला है तो फासला क्या है। तो आइए इस शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाओ भाई। देखो बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको ये समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, या सॉलिड का पहले शुरुआत कर दें कि पहले तुम लोगों को हॉलो के बारे में बता दें, ऐसे जैसा बता दो तुम लोग, पहले तुम लोगों को हॉलो के बारे में बता दिया जाए कि पहले सॉलिड के बारे में बता दिया जाए। ठीक है, जैसा आप बताओ। ठीक है, पहले हम हॉलो ले लेते हैं यार, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसा है, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लेते हैं, यहीं पे रहिए हमारे साथ। ये भाई साहब, ये क्या सीन है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको तुरंत फटाक से सारा देते हैं। ठीक, करंट कैरिंग, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हॉलो। पहले हॉलो को समझते हैं, क्योंकि हॉलो को समझ लेंगे तो सॉलिड को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, हॉलो को समझते ही सॉलिड को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो, ये बहुत अच्छे से देख लेना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एम्पियर सर्क्यूटर लॉ के बारे में बताया था, कि नहीं बताया था। अब एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में हमने आपको बताया था कि अगर कोई करंट एलिमेंट है, करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक, और इसको इनक्लोज करता हुआ अगर हम एक सर्कुलर लूप बना दें इस तरीके का, ठीक है ना, एक लूप बना दें, तो इस लूप से एसोसिएटेड जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, क्लोज लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई होता है। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से समझा रखा है और इसमें किसी भी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। तो अब जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो कि आपके सामने हेडिंग में लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो करंट कैरिंग इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, तो ये एक तरीके से एम्पियर सर्क्यूटर लॉ का अप्लीकेशन है। किसका अप्लीकेशन है, ये अप्लीकेशन है, अप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का अगर ये एप्लीकेशन है तो इसमें भी हम लोग एम्पियर का कॉन्सेप्ट, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तुमने कहा बिल्कुल सर कर सकते हैं, तो जब कर सकते हैं तो आओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा, है ना। तो अब आ जाओ इधर। अब जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, किस फिगर में, इस फिगर में, कि दिस इज द, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है। क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग, समझो इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर हो तो इसके सराउंडिंग में अगर आर डिस्टेंस पर, यानी इस आर डिस्टेंस पर यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, जरा बताइए। इस पॉइंट पर, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वेट करेंगे बच्चों, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, तो इस हमारा रिजल्ट निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई डिवाइडेड बाई आर, इतना ही रिजल्ट निकल के आता है, सब लोगों को पता। तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, समझना, ठीक है ना, और हॉलो है, तो जो भी इसमें करंट हम देंगे वो इसके सर्कमफेरेंस वाली जो बाउंड्री है, यानी कि किनारे किनारे, यानी जैसे कि अगर इसको हम लॉन्ग सिलेंडर की तरह एज्यूम कर लें, इसको हम क्या कर लें बच्चों, लॉन्ग सिलेंडर की तरह अगर हम इसको एज्यूम कर लें, तो जो भी करंट है इसके सराउंडिंग से किनारे किनारे से बाहर ऐसे निकल जाएगा ऊपर की तरफ कि नहीं निकल जाएगा, इसके बीच में इन बिटवीन कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि हॉलो है। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात कि नहीं आ गई, कि कोई भी चीज़ अगर हम हॉलो ले लें, यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, देखो ले लेते हैं, हमारे पास है एक सिस्टम, मान लो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो ये ग्लास है, समझने में क्या जाता है,
ये क्या है, ये ग्लास है, ये हॉलो सिलेंडर की तरह है। तो जब करंट हम इसमें फ्लो कराएंगे, मान लो इस इनको हम करंट से सप्लाई करेंगे, तो करंट इस किनारे किनारे से ऐसे सीधे निकल जाएगा ऊपर, है कि नहीं। नीचे भी हॉलो हो तो नीचे से करंट जाएगा सीधे ऊपर की तरफ निकलता चला जाएगा, बीच में कोई हमको करंट नहीं मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया ये बात? यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आसान हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया और ये फॉर्मूला अगर आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला अगर आपको पता है बेटा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखो कि इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक। हम एक जस्ट इसके बाउंड्री से अटैच्ड, जस्ट इसके बाउंड्री से लगा हुआ एक क्लोज्ड लूप बना लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप। और ये क्लोज लूप किसको इनक्लोज कर रहा है, इस पूरे हॉलो सिलेंडर को इनक्लोज कर रहा है, ठीक। और ये रेडियस है इसका क्लोज लूप का, और ये जो आर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसमें कई अलग अलग सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन की अगर हम बात करें तो जस्ट आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना, जस्ट आउट साइड द हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो जस्ट आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर के लिए हम लोगों ने एक लूप, क्लोज्ड लूप बनाया। देखो इस क्लोज्ड लूप को हम लोग नाम देते हैं एम्पीरियन लूप। क्लोज्ड लूप का नाम क्या देते हैं, इस क्लोज्ड लूप का नाम देते हैं हम लोग एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, समझ गए। दिस क्लोज्ड लूप इज नोन एज एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप के लिए अगर हम एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यस और नो? आपने कहा बिल्कुल सर, यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस लूप के अंदर जो नेट करंट हमारा फ्लो हो रहा है इससे, वो कितना हो रहा है, नेट करंट हमारा टोटल आई फ्लो हो रहा है, जैसा कि इस फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया। दिस इज द आई, आई इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू द हॉलो सिलेंडर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बी और डी एल, तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा क्लोज इंटीग्रल में, या इस तरीके से यह आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि बी डी एल कॉस थीटा, ये डी एल है ठीक, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी स्ट्रेट वायर के केस में जब हम लूप बनाते हैं तो लेंथ सेगमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल हमारा निकल के आता है बेटा, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट है, ठीक है ना, उन दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है, सेम डायरेक्शन होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर सेम डायरेक्शन कैसे हो सकता है, जरा ये भी हमको बता दीजिए। चलो ये भी हम आपको बता देते हैं कि मान लो जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये एक स्ट्रेट वायर है, समझ में आया, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो जो इससे एसोसिएटेड अगर हम एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे मैग्नेटिक, ठीक ऐसा, तो इस क्लोज्ड लूप को अगर ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर हमने एक सेगमेंट ले लिया, छोटा सा इतना सा सेगमेंट ले लिया लेंथ सेगमेंट, ठीक, और ये इसकी रेडियस यहाँ से कितनी ले ली, रेडियस हमने ले ली आर, कोई दिक्कत। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इक्वेट करेंगे, और ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मान लो कितने लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्शन इक्वेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी इस ये जो लूप है, ठीक भाई, एक्चुअली में सबको ये बात पता है कि अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो एक्चुअल में इसके लिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस रेडियस में ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी के टेंजेंट के अलोंग हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी अगर लूप पर हम लेंथ सेगमेंट ले लें तो उस लेंथ सेगमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। अगर उस लेंथ सेगमेंट के लिए वेक्टर टर्म लेंगे तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये डीएल है, ये स्मॉल सेगमेंट क्या है बच्चों, डीएल है, ये स्मॉल सेगमेंट अगर डीएल है तो डीएल के रिस्पेक्ट में डीएल वाला एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डीएल के अलोंग ही हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो डिग्री। कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये होता है स्ट्रेट वायर के केस में, या सिलेंडर अगर इस तरीके से हमें ज़ूम करेंगे तो जो एंगल बनता है डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो हमारा कितना बनता है, जीरो डिग्री बनता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारा, अब ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाने के लिए केवल बताया था, तो इन सारी चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारा मेन हेडिंग है उस हेडिंग को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे।
बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं से भी इस चीज़ को क्या करना है, भूलना नहीं है। आपको एम्पीरियल लूप पता चल गया कि एम्पीरियल लूप हमारा क्या है, ये आपको पता चल गया। अब बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, अब यहाँ से आगे आ जाते हैं। अब बी कॉस थीटा की वैल्यू तो वन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, सो कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें इक्वेट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन, डी एल बचा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब इस लूप के लिए, लूप पर, इसी पर अगर हमने करंट सेगमेंट ले रखा, इसी पर हमने डी एल लेंथ ले रखा है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस लूप का टोटल सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। इट मीन्स कि डी एल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, तो डी एल हो जाएगा हमारा टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर। इसमें किसी भी बालक को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारा एक सिलेंडर के जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलता है, उतना ही निकलता है जितना एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकलता है। क्लियर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर टेस्ला। और इस सिचुएशन में ध्यान रहे कि आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। इस सिचुएशन में अगर बड़ा भी है तब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही निकलेगा। अब बात करते हैं इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का, इनसाइड द सिलेंडर। तो जब बेटा हम इसके इनसाइड की बात करते हैं, और इनसाइड में अगर हम ऐसा एम्पीरियल लूप ये बना लें, तो क्या इनसाइड, इसके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई करंट मिल रहा है आपको, एग्जिस्ट कर रहा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी करंट की वैल्यू जीरो। जहां पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाए वहां पर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इसका मतलब साफ पता चल गया कि दूसरा पॉइंट, अगर हम इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करें, यानी बी इनसाइड, तो जब हम बी इनसाइड इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। क्यों जीरो मिला, इसीलिए जीरो मिला क्योंकि म्यू नॉट तो है, आई की वैल्यू जीरो, ठीक है। आई जीरो होने की वजह से हमारा इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिना भूले, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर तो हमें जीरो मिला, बाहर हमारा कैसा मिला, बी इक्वल टू म्यू नॉट टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। इसका मतलब यहाँ से हमको एक कंक्लूजन ये मिल जाएगा कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर बी कैसे वैरी करता है आर के रिस्पेक्ट में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में वैरी करता है। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें हॉलो सिलेंडर के लिए, ध्यान दो, तो ये जो ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान देना, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका हॉलो सिलेंडर के लिए है। किसके लिए है, हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर, हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर के लिए है, ठीक है। तो अब हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर के अंदर हम लोगों को जैसा कि देखा कि सिलेंडर की रेडियस यहां से यहां तक कितना था, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और उसके आउटसाइड कैसे वेरी कर रहा है, बीज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर। तो वन बाई आर के लिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। जब ये आर, यानी कि समझ लो आर की वैल्यू जब हम इनफाइनाइट ले लेंगे, तो अगेन बी की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, सिलेंडर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा, और इनसाइड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इक्वेट करेंगे तब भी हमको क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ भी आपको मैंने समझा दिया और उसके कंक्लूजन भी हमने आपको समझा दिए। अब हम बात करते हैं इसी तरीके का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड करंट कैरिंग इन्फिनेटली लॉन्ग सिलेंडर होगा तब क्या होगा। अब अगर मान लेते हैं कि सॉलिड है भाई, ये हॉलो नहीं है, ये कुछ ऐसा है सॉलिड, और इसको हम करंट से जोड़ेंगे, तो यानी हर सेगमेंट में हमारा कुछ ना कुछ क्या जाएगा, करंट की वैल्यू मिलेगा, यस और नो, मिलेगा ना। तो ध्यान देना कि अगर हम इसके जस्ट आउटसाइड इक्वेट करते हैं, यानी जस्ट आउटसाइड अगर हम इस तरीके से एम्पीरियल लूप ऐसे बना ले, ठीक, जस्ट आउटसाइड, जिसकी रेडियस हम कितना ले लें, स्मॉल आर ले लें, यानी कि इसकी ये जो रेडियस है ये क्या है, स्मॉल आर है, और ये लूप कौन सा है, एम्पीरियल लूप, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर के केस में आउटसाइड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, आउटसाइड द सिलेंडर। तो जब हम आउटसाइड द सिलेंडर के लिए हम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई,
ठीक है। तो बी डॉट डीएल का मतलब हमको केवल, क्योंकि यहाँ पर याद रखना कि थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो डिग्री, और कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पर केवल आपको इतना ही मिलेगा कि बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई टोटल करेंट है, और यहाँ से हमको मिल जाएगा कि बी, और एम्पीरियल लूप ये हमने ले रखा है आउटसाइड के लिए, ठीक है ना, आउटसाइड के लिए। आप चाहो बड़ा बनाना, बड़ा बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लो हम तुम लोगों के लिए बड़ा लूप बना देते हैं, तो ठीक। अब इसका ये रेडियस कितना है, ये लूप का रेडियस है आर, और सिलेंडर का ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है हमारा कैपिटल आर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, तो जब हम इस एम्पीरियल लूप के रिस्पेक्ट में अगर डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम्पीरियल लूप का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अब बी इज इक्वल टू इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, अगेन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर, ये निकला कि नहीं निकला, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा कब निकलेगा, आउटसाइड निकलेगा, अगर एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर की बात करें, ठीक है ना, ऑन द सिलेंडर, ऑन द सिलेंडर, कि सिलेंडर पर हमें कितना मिलेगा, तो सिलेंडर पर भी हम, सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, आर को कैपिटल आर के बराबर रख देंगे, और जब आर को कैपिटल आर के बराबर रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई कैपिटल आर, बस इतना ही तो आएगा, कोई दिक्कत। तो आउटसाइड का रिजल्ट तो हमारा सेम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और आउटसाइड वाला वेरिएशन भी आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी चाहे सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, इन तीनों के लिए जो उस वायर के सराउंडिंग्स में, यानी बाहर सिलेंडर के सराउंडिंग्स में, यानी जस्ट आउटसाइड या आउटसाइड की बात करें, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर टेस्ला। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, याद रखना तीन अलग अलग सिचुएशन, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इन तीनों के लिए उनके आउटसाइड आर डिस्टेंस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर, टेस्ला इज द यूनिट, क्लियर हो गया। अब इसके इनसाइड की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि सेम रहा, आओ भाई अब हम इनसाइड पे बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये वाला हमारा सॉलिड सिलेंडर ही था, ध्यान रहे ये हमारा क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, अब समझो। और इसका टोटल रेडियस कितना था भाई, अब इसके इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब इसका ये टोटल रेडियस यहां से कितना था, ये टोटल रेडियस था आर, और इसमें से टोटल करंट ऐसे पास कितना कर रहा था, समझना, टोटल करंट कितना पास कर रहा था, टोटल करंट पास कर रहा था कैपिटल आई, यस और नो, तुमने कहा यस सर, बिल्कुल इतना ही पास कर रहा था, मतलब आई पास कर रहा था ना, कैपिटल आई ले लो या स्मॉल आई ले लो, मतलब टोटल करंट कितना, इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट हमारा पास कर रहा था, इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास कर रहा था। इसमें किसी भी बालक को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम एक एम्पीरियल लूप ले ले जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इनसाइड द सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा कंडीशन है, ठीक, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, अब इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, अब इसका सरकम, इसका एरिया अगर इस एम्पीरियल लूप का एरिया इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से देखना मैथमेटिकल टर्म्स, कि पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास हो रहा, आई, तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास होगा, यूनिट एरिया से इतना हो रहा, तो इतना एरिया से कितना होगा, आई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो करंट की वैल्यू कितना आ गया, करंट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, ध्यान से देखियो, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये क्या है, ये वो करंट है, इसको हमने आई डैश लिख दिया, ये वो करंट है जो हमारा अब इस स्मॉल एम्पीरियल लूप से पास कर रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बना रखा है ये इनसाइड के लिए, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया से अब इतना करंट हमारा केवल पास हो रहा है। अब आ जाते हैं भाई उसी कॉन्सेप्ट पर, लाइन इंटीग्रल वाले कॉन्सेप्ट पर। तो इसके लिए जब हम लाइन इंटीग्रल यूज करेंगे कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट आई डैश लिखेंगे,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सोल्व करने गए तो क्या आ जाएगा, बी डैश टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आर, आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, टू पाई हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारा कितना निकला बच्चों, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर हमारा करंट की वैल्यू इतना निकला, और आर भाई ये तो हमारा मैक्सिमम रेडियस था, अब इनसाइड अगर हमें इतने के लिए निकालना है, इतने पे निकालना है, इतने पे निकालना है, तो आर हमारा अलग अलग हो सकता है, यानी आर ही यहाँ पर वेरिएबल है इनसाइड के लिए, येस और नो। तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिला कि इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर बी कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बी कैसे वेरी करता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेरी करता है। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस एम्पीरियल लूप के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इसके आउटसाइड अगर यहाँ इक्वेट करना था तो हमने आउटसाइड वाला कंडीशन यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, कहाँ पर, यहाँ पर बता दिया कि अगर आउटसाइड आप इक्वेट करते हो इस स्मॉल आर रेडियस के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। जब उसके अंदर हम इक्वेट करते हैं इतने एरिया पे इसके लिए इस पॉइंट पर, तो हमने पहले एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया, इसका लाइन इंटीग्रल निकाला, और इतने एरिया से पास होने वाला करंट जिसको कि मैंने आई डैश लिखा है, ये आई डैश है, ध्यान देना, ये इसको कुछ और ना समझो, ये आई डैश है, ये आई डैश है। अब तुमको ये डिग्री विग्री लग रहा है यार, ये आई है ऐसे, आई डैश, ठीक है ना। और आई डैश की वैल्यू हमारे सामने इतना है, आई डैश की जगह आई डैश की वैल्यू रखा। अब बी डी एल इसको इंटीग्रेट करने पर बी इंटू टू पाई आर आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ले रखी है, ठीक। तो इससे हमारा रिजल्ट ये मिला। तो इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर इतना मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड होलो सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर रिमेन सेम, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर हम जैसे जैसे यहाँ से सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर क्योंकि आर छोटा होता जाएगा तो सेंटर पर हमको इसके एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अब सॉलिड सिलेंडर के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये बेटा ग्राफ किसके लिए है, सॉलिड सिलेंडर के लिए है, दिस इज फॉर सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर। तो आउटसाइड तो सिमिलर वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे कि हॉलो में वेरी कर रहा है वैसे ही इसमें, लेकिन इनसाइड हॉलो सिलेंडर में जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन सॉलिड सिलेंडर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरी करता है। तो जैसे जैसे रेडियस हमारा छोटा होता जाएगा सेंटर पे आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सरफेस है सिलेंडर का, ये समझ लो सरफेस है सिलेंडर का, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैपिटल आर। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में वेरी करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट बी वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये ग्राफ कर्व है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के लिए जो भी कंडीशंस हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और ये सब आप लोगों को नोट करके रखना है, ये क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आप पूरा यूट्यूब छान मारो तुमको ये मिल जाए तो हमको बता देना, क्योंकि होता क्या है यूट्यूब पे सारे कंटेंट आपको नहीं मिलते हैं। मेरी कोशिश है कि हम आपको अच्छे से हर वो कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे प्यार से अलविदा बोलिए, जय हिंद।